वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एस्टिमेशन की एक टाइप देखने वाले हैं जिसका नाम है टाइट्रेशन। हम जो HD 11-12 से करते आए हैं वो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। इस प्रैक्टिकल में हमें जो एसिटिक एसिड है, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, वो फाइंड आउट करना है फ्रॉम विनेगर, यानी कि जो हमारा विनेगर होता है उसमें कितना होता है वो हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वैसे तो इजीली रिक्वायरमेंट आपको मिल ही जाएगी। 0.1 नॉर्मल NaOH, सक्सिनिक एसिड एंड विनेगर, देन फिनोफ्थेलिन, एंड देन उसके अलावा दूसरे यहाँ पे ग्लासवेयर पड़े हैं जो आप देख सकते हो, ब्यूरेट है, कॉनिकल फ्लास्क है, फनेल है, मेजरिंग सिलेंडर है, देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिल वाटर के अलावा आप कोई भी वाटर आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो विदाउट मच टाइम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हो उसमें ज़ीरो सेट करना है, एयर बबल निकालना है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने वॉश की है, उसके बाद भी यहाँ पे आपको एयर बबल दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे एयर बबल आपको दिखने नहीं चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पे जो मार्किंग है आप देख सकते हो, 50 ml की मैंने ब्यूरेट ली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्यूरेट तो फिल कर दी है, पर जो मुझे दिखाना है उसके लिए मैंने बाकी रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फनेल ऊपर है, फनेल अगर मैं निकालता हूँ तो आप देख लोगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन ज़्यादा है। एक्चुअली मैंने जानबूझ के सॉल्यूशन ज़्यादा रखा है, उसका रीज़न है जैसे ही हम ज़ीरो सेट करेंगे तुरंत ही वो कम हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि मैंने NaOH सॉल्यूशन का बीकर नीचे रख दिया है, देन ये जो नोब है उसे फोर्सफुली ओपन करना है। आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि बबल है इसमें, तो फोर्सफुली जैसे ही ओपन करोगे तुरंत ही एयर निकल जाएगी। ओके, यू कैन सी हियर कि जो एयर थी वो निकल गई। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लियर सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा, बट उसकी वजह से यहाँ पे ऊपर हमारा जो जीरो आना चाहिए वो नहीं आएगा। यू कैन सी ये, देखो ज़ीरो से नीचे आ गया, इसकी वजह से हमें उसे फिर से फील करना पड़ेगा, इसलिए फनेल रख देते हैं, देन ज़ीरो सेट कर देते हैं। ज़ीरो से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, फनेल निकाल लेनी है एंड उसके बाद ज़ीरो सेट कर देना है। ज़ीरो सेट करने के लिए वही प्रोसीजर, बीकर नीचे रख दो ताकि सॉल्यूशन वेस्ट ना हो। सॉल्यूशन वेस्ट ना हो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है, ताकि हमें पता चले कि हमारा सॉल्यूशन कितना यूज़ हुआ है। तो जैसे मैंने अभी जो वीडियो के लिए रखा है वैसे ही आपकी आँख के आम सामने ज़ीरो होना चाहिए, और इसके नीचे जो डबल लाइन है वो सिंगल लाइन में आपको दिखनी चाहिए ताकि आप अच्छी तरह से ज़ीरो सेट कर सको। देन धीरे धीरे नोब ओपन करते जाओ और सॉल्यूशन देखो धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। देन ओके डन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़ीरो सेट हो गया है हमारा। ज़ीरो की जो लाइन होती है उसके नीचे जो वाटर का जो सॉल्यूशन का जो लाइन है वो नीचे वाली लाइन ज़ीरो के लाइन पे टच होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी ब्यूरेट सेट हो गई है। ऐसे ही आपको करनी है। देन उसके बाद ये जो मैंने नीचे कागज़ रखा है, आप बोलते हो कि कागज़ क्यों रखा है, तो कागज़ रखने का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन चीज़ है कि अगर आप जब भी टाइट्रेशन करते हो तो कलर चेंजिंग आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इजीली आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा कुछ टाइम। तो इसलिए अगर आपने वाइट क्लोथ है या कागज़ है रखा है तो इससे क्या होगा कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कलर चेंज हो रहा है। इसके लिए ही हम ये कागज़ रखते हैं या क्लोथ रखते हैं। इसके अलावा एक हम मसलिन क्लोथ भी रख सकते हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है। अगर जो भी हमारे पास वाइट अवेलेबल है वो हम रख सकते हैं। तो टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा ब्यूरेट सेट करने का एक तरीका, स्टैंडर्ड तरीका, जो स्टैंडर्ड होता है वो। ज़ीरो सेट यहाँ पे हमारा हो गया, देन उसके बाद एयर बबल भी निकल गया, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई कि ये जो ब्यूरेट है ब्यूरेट को सेट करने के बाद पहले डिस्टिल वाटर से वॉश करो। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद एक बार जो भी सॉल्यूशन है हम फिल करने वाले हैं इसमें, इसके अंदर थोड़ा सा डाल के सेक करके निकाल दो, देन उसके बाद उसमें NaOH सॉल्यूशन भरो।
ताकि हम कह सकते हैं कि उसमें एरर, मिनिमम एरर हमारे पास आए। तो टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो विनेगर का मुझे टाइट्रेशन करना है, उसके लिए सबसे पहले तो NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने सक्सेनिक एसिड लिया है। सक्सेनिक एसिड के अगेंस्ट मैं स्टैंडर्डाइजेशन करके देखूंगा। अब सक्सेनिक एसिड ही क्यों लेना है हमें, तो विनेगर हमारा वीक एसिड है, जैसे कि एसिटिक एसिड वो वीक है, इसकी वजह से हम सक्सेनिक एसिड वीक एसिड ही लेंगे ताकि हमें एचडी में एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। तो इसीलिए मैंने सक्सेनिक एसिड ले लिया है इसमें 10 ml। 10 ml भी ले सकते हो और 25 ml भी ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी। और उसके बाद 2 or 3 drops फिनोफ्थैलिन अच्छी तरह से शेक करने के बाद टाइट्रेशन स्टार्ट करो। टाइट्रेशन स्टार्ट करने का तरीका है, ब्यूरेट के ऊपर हमें देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे नीचे कलर चेंज हो रहा है कब हो रहा है वो हमें देखने की ज़रूरत है, तो वही हम करेंगे। तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक साइड से नोब दबाते जाओ, ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन करते जाओ, और नीचे कॉनिकल फ्लास्क शेक होना होते रहना चाहिए ताकि आपका एक्चुअल रिजल्ट आ सके। तो हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि टाइट्रेशन का कलर आ गया, ठीक है, कलर चेंज होने से पिंक कलर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रीडिंग हमारा आ गया, ठीक है। अब ये जो रीडिंग है आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रीडिंग है अप्रोक्सीमेटली 10 ml के आसपास है, यहाँ पे देख सकते हो। अब ये 10 ml तो हम नहीं कह सकते, पर 10.2 कह सकते हैं, क्योंकि 10 के नीचे दो लाइन और है, ठीक है। नीचे वाला जो एयर वाटर है उसके नीचे का लेयर जो है वो 10.2 पे टच हो रहा है, इसकी वजह से हम रीडिंग 10.2 लिखेंगे। तो यहाँ पे 10.2 आ गया है हमारा पहले स्टैंडर्डाइजेशन का। उसके बाद उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन पोर्शन जो है मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे करना है, बट पहले प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे विनेगर तो ले लिया है और उसके अंदर फिनोफ्थैलिन भी ऐड कर रहा हूँ। विनेगर मैंने 10 ml के आसपास लिया है, आसपास नहीं 10 ml ही लेना है, क्योंकि हमने पहले सक्सेनिक एसिड 10 ml लिया है। अगर वो 25 ml लेते हम तो विनेगर भी हमें 25 ml लेना पड़ता। उसके बाद हमें ज़ीरो से ऐड करना है फिर से, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी पहले प्रोसीजर बताया था वैसे ही ज़ीरो से ऐड करना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टाइट्रेशन के टाइम आपकी जो फनेल है, फनेल प्यूरेट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर वो होती है तो उससे क्या होता है कि अगर फनेल में कोई ड्रॉप रह जाता है सॉल्यूशन का, तो टाइट्रेशन के दौरान वो नीचे ड्रॉप गिरेगा और आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा, इसकी वजह से आपको फनेल निकाल देनी है। तो यहाँ पे मेरा जो ज़ीरो सेट था वो हो गया है। देन उसके बाद हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया था वैसे। उसमें भी जैसे मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दिया था वैसे कि एक साइड आपको सेक करते रहना है, दूसरी साइड ड्रॉप निकालते रहना है ताकि आपको रिजल्ट अच्छी तरह से पता चले। आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा ज़्यादा पिंक कलर आ रहा है, और ये जो ड्रॉप है वो बीच में ही गिरने चाहिए, आसपास नहीं गिरने चाहिए, वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मेरा जो पिंक कलर है वो आ गया है, यू कैन सी हियर इजीली, ओके। तो जैसे अभी मैंने ये विनेगर का प्रैक्टिकल किया है वैसे ही मैंने उससे पहले जो सक्सेनिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन वैसे किया था। तो दोनों 3-3 रीडिंग लेने हैं और उसके बाद आगे का प्रैक्टिकल करना है, 3 स्टैंडर्डाइजेशन के और 3 जो एक्चुअल प्रैक्टिकल है उसके, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कैलकुलेशन पोर्शन पे जाना है। तो अब हम जाएंगे कैलकुलेशन पोर्शन पर। तो जैसे मैंने प्रैक्टिकल में बताया वैसे कि जो प्रैक्टिकल का एम है, यहाँ पे आप देख सकते हो टू डिटर्मिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन विनेगर। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि विनेगर है 0.1 नॉर्मल NaOH सक्सेनिक एसिड डिस्टिल वाटर एंड टाइट्रेशन सेट। टाइट्रेशन सेट में एक्चुअली सब कुछ आ जाता है, जैसे कि ब्यूरेट है, कॉनिकल फ्लास्क है, ग्लास रोड है, फनेल है, फिल्टर पेपर है, देन पीपेट है, वो सब कुछ आ जाता है। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट में लिखा है टाइट्रेशन सेट। देन ऑब्जर्वेशन, जो पार्ट वन का ऑब्जर्वेशन, पार्ट वन यानी कि जो हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया है उसकी कैलकुलेशन है ये। तो उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो ब्यूरेट है, ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन है। पीपेट यानी कि जो मैंने मेजरिंग सिलेंडर से 10 ml लिया है उसका है पीपेट, 0.1 नॉर्मल सक्सेनिक एसिड, देन इंडिकेटर फिनोफ्थैलिन एंड कलर चेंज कलरलेस टू पिंक। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़
छोड़ के रखी है, जैसे कि पीपेट में 0.1 नॉर्मल सक्सेनिक एसिड सॉल्यूशन है, बट कितना वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 ml लिया था, तो मैंने 10 ml लिखना भूल गया हूँ, बट 10 ml वहाँ पे लिखना है, 10 ml 0.1 नॉर्मल सक्सेनिक एसिड एस। तो उसके बाद टेबल है, टेबल कंपलसरी थोड़ा सा ध्यान रखना है उसमें। तो जो फर्स्ट रो है उसमें ये देखो, ब्यूरेट फनल रीडिंग इनिशियल डिफरेंस, देन पायलट रीडिंग, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड कांस्टेंट रीडिंग, ठीक है। अब पायलट रीडिंग हमेशा के लिए जो भी हमारे रीडिंग है उससे ज़्यादा आता है, पर राउंड फिगर में आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे जो रीडिंग है 10.2, 10.5, 10.3, तो पायलट रीडिंग था 11.0, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी पायलट रीडिंग है वो राउंड फिगर में होना चाहिए आपके रीडिंग से ज़्यादा, ठीक है। ये जो तीन रीडिंग है मैंने एक्चुअली तीनों तीन प्रैक्टिकल तो किए नहीं है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिख दिए। जो एक्चुअल रीडिंग है वो ये वाला है 10.2 वाला, तो इसके अलावा मैंने दूसरे अरेंज कर दिए है और आंसर आया है 10.4 है। उसके ऊपर से जो कैलकुलेशन पोर्शन है वो आप देख सकते हो, N1V1 = N2V2। N2 यानी कि जो सक्सेनिक एसिड की नॉर्मलिटी है वो मैंने फाइंड आउट की है N1V1/V2 के ऊपर से। तो आंसर आया है मेरा अप्रॉक्सीमेटली 0.102 नॉर्मल, यानी कि 0.1 नॉर्मल के आसपास, ठीक है। अब ये जो 0.102 यानी कि 0.2 नॉर्मल जो डिफरेंस आया है वो हमारे प्रैक्टिकली एरर की वजह से आया, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट उसके आसपास आना चाहिए 0.1 के आसपास। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो सही है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है, ओके। तो पार्ट टू की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे पार्ट टू की आप कैलकुलेशन देख सकते हो कि जैसे मैंने पहले कहा वैसे कि रिक्वायरमेंट है, एम है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे कि ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल एनवेज सॉल्यूशन तो है ही हमारे पास, देन पीपेट में है 10 ml डाइल्यूटेड विनेगर सॉल्यूशन, क्योंकि हमने जो विनेगर सॉल्यूशन लिया था वो अप्रोक्सीमेटली 10 ml के आसपास डाइल्यूट किया था 100 ml में, यानी कि अब उसके अंदर से मैंने 10 ml लिया था, इसीलिए हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे उसे, डाइल्यूट विनेगर सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लिया था। देन इंडिकेटर फिनोफ्थेलिन एंड कलर चेंज है कलरलेस टू पिंक। यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हो कि ब्यूरेट रीडिंग है जो टेबल में है, ब्यूरेट रीडिंग, फाइनल इनिशियल डिफरेंस, पायलट रीडिंग 8.9.0 के आसपास है, और जो दूसरे रीडिंग है वो 8 से 9 के बीच में है, वो आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको टाइट्रेशन में दिखाया था वैसे। उसमें जो 8.5 है, एक ये दो, ये 8.5 एक्चुअल रीडिंग है, उसके अलावा जो 8.4 है वो मैंने जानबूझ के इसके आसपास लिख दिया है ताकि मैं कैलकुलेशन इजीली कर सकूँ, इसलिए मैंने 8.4 लिखा है। तो उसके ऊपर से कॉन्सेंट रीडिंग आप देख सकते हो कि 8.5 ml, देन डिफरेंस ये सब कुछ। अब डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो फाइनल रीडिंग है उसके बाद इनिशियल 0.0, इनिशियल मैंने 0.0 क्यों लिया है, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। अगर हमने बीच में से स्टार्ट किया होता, फॉर एग्जांपल मैंने 10 से स्टार्ट किया होता, तो इनिशियल में 10.0 आता, ठीक है। अगर मैंने 5 से स्टार्ट किया है, फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि पायलट रीडिंग मेरा हो गया है, पहले मैंने 0 सेट कर दिया तो इनिशियल 0 है, उसके बाद 8.5 रीडिंग आ गया, तो सेकंड रीडिंग अगर मैं फिलिंग नहीं करता हूँ तो यहाँ पे इनिशियल 8.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग जो होगा वो 17.17 के आसपास होगा, और इनिशियल 8.5, और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसे हम इनिशियल में लिख सकते हैं अगर हमारे पास सॉल्यूशन कम है तो, बट ज़्यादा है तो आप 0 सेट करके ही लिखो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में। देन उसके बाद कैलकुलेशन है द अमाउंट ऑफ विनेगर इन, सॉरी एसिटिक एसिड इन विनेगर। तो इसके लिए 1000 ml 1 नॉर्मल NaOH के लिए 60 ग्राम एसिटिक एसिड होता है, तो Y ml x नॉर्मल NaOH के लिए कितना, Y नॉर्मल यानी कि जो 8.5 ml है वो, और x नॉर्मल यानी कि जो हमने पार्ट वन में NaOH का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट किया है वो। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो Y × x × 60 × 10। अब ये 10 कहाँ से आया, तो ये रहा विनेगर का अमाउंट, ठीक है। 10 ml मैंने लिया है, इसकी वजह से मैंने 10 लिखा, डिवाइड बाई 1000, तो 1000 कहाँ पे आया, ये रहा, into 1, तो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन है वो इसके वजह से, ठीक है। तो उसके ऊपर से जो अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे पास विनेगर का अमाउंट है वो आता है 0.5202 ग्राम, ठीक है। तो इतना आता है पर मोल में, यानी कि एक मोल में इतने ग्राम एसिटिक एसिड होगा विनेगर में। तो इसके इस प्रैक्टिकल से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये पूरा टाइट्रेशन प्रोसीजर है आपको इजीली आइडेंटिफाई होती होगी और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।